नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में अंतर। इसे उदाहरण से समझते हैं। ही इज गॉन टू कोलकाता। यहाँ इज गॉन का अर्थ है इज गॉन। He is gone to Kolkata, is gone। जाने का काम बिल्कुल पूरा हो चुका है और इसलिए वह कोलकाता पहुंच चुका है। तो is gone का मतलब He is gone to Kolkata, जाने का काम बिल्कुल पूरा हो चुका है और वह इसलिए कोलकाता पहुंच चुका है। आगे He has gone to Kolkata, has gone। यहाँ हैज गॉन का अर्थ है जाने का काम तुरंत समाप्त हुआ है, अर्थात वह कोलकाता के लिए तुरंत रवाना हुआ है या कोलकाता तुरंत पहुंचा है। और एक उदाहरण ले, द स्प्रिंग इज कम, इज कम। इज कम का अर्थ है आया हुआ है, अर्थात बसंत तुरंत नहीं आया है, यह पहले ही आ चुका है और इसलिए बसंत ऋतु की शोभाएं दिखाई पड़ रही है। अतः ये समझे हम कि हैज गॉन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से कि वर्तमान में कोई काम पूरा हुआ है तुरंत तुरंत, तो हैज गॉन, और बहुत पहले हो चुका है, पहले ही हो चुका है पूरा, तो इज गॉन, तो इज गॉन और हैज गॉन। इसी तरह से हम हैज गॉन, हैव गॉन, हैड गॉन, विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन। फ्यूचर में कोई काम तुरंत तुरंत पूरा होगा तो विल हैव गॉन, पास्ट में तुरंत तुरंत पूरा होने का बोध होगा तो हैड गॉन, और ये पूरा हो चुका होगा तो हैज गॉन। अगला वीडियो में देखेंगे हम पांचवें पार्ट में हैज़ गॉन और हैज़ बीन गॉन में अंतर। तब तक के लिए धन्यवाद।